ચાઇલ્ડ હેલ્થ નર્સિંગમાં આપણે યુનિટ 6 માં કેર ઓફ એડોલેશન જેમાં બોયસ અને ગર્લ્સ બંને માટે જોયું એડોલેશનની વ્યાખ્યા એડોલેશન દરમિયાન જોવા મળતા મેલ અને ફિમેલમાં ફેરફારો એડોલેશન દરમિયાન ઉદ્ભવતી કેટલીક પરિસ્થિતિઓ એડોલેશન દરમિયાન ઉદ્ભવતા કેટલાક પ્રોબ્લેમ એડોલેશનની શારીરિક વિકાસ માનસિક વિકાસ તથા એડોલેશન ગર્લ્સ અને બોયઝનું કાઉન્સેલિંગ આવું આપણે શીખ્યા। त्यार पछी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में यूनिट 7 छे केयर ऑफ एडोलेशन गर्ल्स। तो एडोलेशन गर्ल्स केयर ऑफ एडोलेशन गर्ल्स में घणी वखत अवारनवार आमां पण काउंसिलिंग नो एक प्रश्न होय अने जेमां मेन्स्ट्रुएशन हाइजीन अंगेनो प्रश्न होय। तो तमारा क्लिनिक पर एक तरुणी आवे छे अने तरुणी ने प्रथम वखत मासिक आवे छे तो आवी वखते आवी तरुणी ने शुं तमे काउंसेलिंग करशो अने तेने शुं क्या क्या मुद्दाओनुं ज्ञान आपशो आवुं आपणे घणी वखत पूछाय। तो आपणे जोशुं काउंसेलिंग केयर ऑफ एडोलेशन गर्ल्स। शरूआत थशे मेन्स्ट्रुएशन साइकल थी। तो आ एक शरीर कुदरती कार्य है एवं प्रक्रिया है कि छोकरीना शरीर ने भविष्य माटे तैयार थाय छे। साइकल सारी रीते चाले अने साइकल समयसर शरू थाय ए एक आरोग्यनी निशानी है। मेन्स्ट्रुएशन साइकल उमर शरू थवानी एज अलग अलग होय छे। घणी वखत 10 वर्षथी शरू करी अने 16 वर्ष सुधी पण होय छे पण मोटा भागे 13 वर्षनी उंमरमां मेन्स्ट्रुएशन साइकल शरू थतुं होय छे। जो मेन्स्ट्रुएशन साइकल खूब मोडू शुरू थाय तो स्त्री रोग निष्णातनी सलाह लेवी जरूरी है। प्रथम वखत मेन्स्ट्रुएशन साइकल शुरू थाय आवे तेने आपणे मेनार्की कहीशुं अने जे आ पीरियड छे एने प्यूबर्टी पीरियड कहेवाय। मेन्स्ट्रुएशन साइकल मोटा भागे 5 થી 7 दिवसनो होय केटलाक अपवादरूप ओछो के वधु होई शके अने एक वखतना साइकल में लगभग 50 થી 80 ml जेटलू ब्लड लॉस थतुं होय। मेन्स्ट्रुएशन साइकल ए जातीय संबंध न बांधेलो होय अने मेन्स्ट्रुएशन साइकल कदाच आववामां वार होय तो घणी वखत तो छोकरीओमां अथवा तो एडोलेसेंट गर्ल्स में मेन्स्ट्रुएशन साइकल अनियमित होय। घणी वखत 1 महीनो आवे ए 2 महीना न पण आवे तो आवी बाबत में बहुत चिंता करवानी होय नहीं पण जरूर पड़े तो गायनेकोलॉजिस्ट ने सलाह लेवी जोईए। पुख्त वयनी एटले के एडल्ट गर्ल्स नी आ बाबतनी खास समजण आपवी जोईए कारण के मोटा भागना प्रश्न आ उमरे जोवा मळे। आथी माताने पण समजाववू जोईए के एक मित्रनी माफक बाळकनी सलाह आपे। समाजमां मेन्स्ट्रुएशन साइकल विशेनी जे जूनी मान्यताओ छे जूना जे ख्यालो छे तेने दूर करी अने संस्कृतिनी साजे तेवा नवा नियमों एटले के नवी पद्धति अपनावी जोईए। जे नुकसान करता अंधश्रद्धा बाबत होय ते दूर करी अने हाइजीनिक कंडीशन जाळववा माटेनी समजण आपवी जोईए। मेन्स्ट्रुएशन साइकल नी प्रक्रिया दर महीने होय। छोकरीनी जाति परिपक्वता लावे छे। मेन्स्ट्रुएशन साइकल ते नॉर्मल शारीरिक क्रिया छे। तेनी शरूआत ने प्यूबर्टल प्रोसेस थी थाय छे एटले के प्यूबर्टी एज कहेवाय। ते वखते विकास टोच पर होय अने ब्रेस्ट नो विकास पण थाय छे। रिप्रोडक्टिव अंगमांथी नियमित एटले के युट्रसमांथी नियमित ब्लीडिंग थाय। दर महीने होर्मोन अने ओवम परिपक्व थाय। एक मास दरमियान फेलोपियन ट्यूब मार्फते ते युट्रस सुधी पहोंचे अने युट्रसनी दीवाल में आ होर्मोन रिसीव न थाय एटले के कन्सेप्शन न थाय। परिणामे ओवम छे ए फरीने डिस्ट्रॉयड थई जाय अने जे युट्रसनी दीवाल तूटे छे ते युट्रसनी दीवाल तूटवानी आ प्रक्रिया ने आपणे मेन्स्ट्रुएशन साइकल कहीए कारण के युट्रसनी दीवाल जाडी एकदम वास्क्युलर अने पेरिफेरल थाय छे આપણે મેન્સ્ટ્રુએશન સાયકલ ખૂબ ડિટેલમાં ભણશું અને એ પણ સેકન્ડ યરમાં મિડવાઇફરીમાં ખૂબ ડિટેલમાં આવશે। અહીં ખાસ પ્રશ્ન અગત્યનો આ છે કે મેન્સ્ટ્રુએશન સાયકલ વખતેનું હાઇજીન અને ટૂંકનોંધમાં પણ મેન્સ્ટ્રુઅલ હાઇજીન એવું ઘણી વખત પૂછાય। तो आ समय दरमियान स्वच्छता जाळववा माटे स्वच्छ कपड़ा सेनेटरी पेडनो उपयोग करवामां आवे। ब्लड ने शोषी ले तेवा सिंथेटिक तेवा कॉटनना कपड़ा सिंथेटिक कापड़ ए नुकसान करता है। घणी वखत चामड़ीने पण नुकसान थाय छे। शुं शुं काळजी राखवी जोईए तो पेडने दिवसमां 2 થી 3 वार बदलाववुं। कपड़ा तथा अंडरवेरने साबु पाणीथी सारी रीते साफ करवा। कपड़ाने तड़के सूकववुं। दरेक पीरियड पछी कापड़ने सारी रीते साफ करवुं। जो सेनेटरी नेपकिननो उपयोग करता हो तो तेने पेपर बेग में वींटाड़ीने निकाल करवो। जो हाइजीन बराबर न जळवाय तो घणी वखत वजाइनल लीचिंग अने डिस्चार्ज पण जोवा मळे। दरेक वखते बाथरूम गया बाद बराबर साबु पाणीथी हाथ धोवा। दरेक 16 वर्षनी छोकरीने इंजेक्शन टीडी आपवुं जोईए। छोकरीओ माटे एटलुं महत्वनुं छे के आ समयगाळो ए માંદગીનો સમયગાળો નથી પરંતુ તંદુરસ્ત રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। સ્પેશિયલ ન્યુટ્રિશન નીડ ડ્યુરિંગ એડોલેશન, તો એડોલેશન દરમિયાન આ ખૂબ જ મહત્વનું છે અને એમને બેલેન્સ ડાયટ એટલે કે એવા પ્રકારનો ડાયટ કે જે ડાયટમાંથી ખોરાકના તમામ ઘટકો જેમાં પ્રોટીન, ફેટ, કાર્બોહાઈડ્રેટ, વિટામિન, મિનરલ્સ બધું સપ્રમાણ મળી રહે। शरीर तेने वापरे अने वधारानो संग्रह करे अने कोईपण आवा प्रसंगमां ए फरी एनो उपयोग करे तो आवा खोराकने आपणे बेलेन्स डायट कहीशुं। 24 કલાક दरमियाननी जरूरियात होय स्त्री अने पुरुषनी तो ए कंई आपणे मोटा भागे पूछातुं होतुं नथी एटले एमां आपणे कंई बहु डिटेलमां जाशुं नहीं। तरुणावस्था माटे खास पोषणनी जरूरियात एमां कार्बोहाइड्रेट अने प्रोटीन वाळो खोराक लेवो जोईए। आर्थिक रीते पछात वर्गना लोकोमां पण प्रोटीननी जरूरतने पहोंचवी वळे ते माटेनी केलरी अने खामी निवारवी जोईए। शरीरनी जरूरी खनिज क्षारो जेवा के आयोडीन ग्लूटन अटकावे छे एंडेमिक एरियामां वधारे लेवू जोईए। आयर्न तो आयर्ननी गोळी हमेशा चालू राखवी जोईए। लोह तत्वनी गोळी एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम अनुसार गोळी लेवी जोईए। तदुपरांत खोराकमां हिमोग्लोबिन मळी रहे ते माटे लीला પાંદડાવાળા शाकभाजी, गोळ, कठोळ, सोयाबीन, चोखा, बीट, गाजर, कापवाथी जे वस्तु काळी पड़े तेवी तमाम प्रकारना खोराक लेवा जोईए। तरुणावस्थामां व्यक्तिने शा माटे पोषण महत्व आपवामां आवे छे तो आपने खबर ज छे। आगळना चेप्टरमां पण आपणे जोयुं के आ समयगाळा दरमियान एमनो वृद्धि अने विकास खूब ज झड़पी होय। आ समयमां मेहनतनुं काम वधारे रहेतुं होय। हाडकांनी मजबूती माटे कैल्शियम खूब ज जरूरी छे। बांधो सुदृढ़ बनाववा माटे प्रोटीननी खूब ज जरूर पड़े। आ समयगाळा दरमियान जुदा जुदा रोग विशेनी माहिती अनुसार तेमने खोराक पण मळवो जोईए कि न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी न थाय तेना माटे एनो ख्याल राखवो जोईए। मेन्स्ट्रुएशन सायकल चालू थवाथी अशक्ति नबळाई न आवे ते माटे खास खोराक लेवो जोईए। तरुणावस्था दरमियान पोषण स्तर पर असर करता परिबळो एमां कंडिशनल फेक्टर होय चेपी रोगो, झाड़ा उलटी, वर्म्स, मेलेरिया, टीबी, नबळुं सेनिटेशन अने मासिक धर्मना कारणे छोकरीओमां नबळाई। आ परिबळो छे जे पोषण स्तर पर असर करे छे। सांस्कृतिक परिबळोमां खोराकनी टेवो, रीतिरिवाजो, धर्म, खोराक न भावतो होय, रांधवानी रीत अने सामाजिक बंधारणो। आर्थिक अने सामाजिक परिबळमां गरीबी, अज्ञानता, अंधश्रद्धा, मोटो कुटुंब, अपूरतुं शिक्षण, जीवन जीववानी शैली, खोराक साचववानी रीतो अने समाजमां स्थान। तो आ हतुं खोराक पर असर करता परिबळो। ત્યાર પછી ખૂબ જ અગત્યનું અને અવારનવાર પૂછાતો પ્રશ્ન વહેલા લગ્ન અને તેની અસર અર્લી મેરેજ એન્ડ ઇટ્સ ઇફેક્ટ. તો વહેલા લગ્ન કરવાથી માતા બનવાનો પ્રસંગ પણ વહેલો આવે છે, જે છોકરી માટે તથા બાળક માટે બંને જોખમી છે. આવી માતા ઓછા વજનવાળા બાળકને જન્મ આપે છે, જે માતા માનસિક રીતે પણ માતા બનવા માટે પરિપક્વ હોતી નથી. તેથી માતા અને બાળક બંનેનું મૃત્યુનું જોખમ વધે છે. एडोलेसेंट प्रेग्नेंसी, रिस्क ऑफ एडोलेसेंट इन प्रेग्नेंसी. तो प्रेग्नेंसी ने लीधे हाइपरटेंशन थाय, एनीमिया जोवा मळे, एसटीडी एड्स जेवा रोग थाय, मेलेरिया थाय तो खूब ज गंभीर परिणाम आवे. अधूरा मासे सुवावड़ आवे, सुवावड़ बाद एनीमिया जोवा मळे, सुवावड़ एटले के डिलिवरी में अवरोध, प्री एक्लेम्सिया जोवा मळे, फरीथी बीजी सुवावड़ न रहेवाना पण घणी वखत चांसेस रहे. ओछा वजनवाळुं बेबी होय, स्तनपान अने बाळ आरोग्यनी अपूरती काळजी होय, कारण के हजी ते परिपक्व न होय अने बाळक विषे कांई जाणती न होय. जोखमो कया कया छे? तो प्रीटर्म सुवावड़ एटले के वहेली सुवावड़ थाय, सुवावड़मां अवरोध, वीवीएफ एटले वेसिको वजाइनल फिस्युला, ब्लाडर अने वजाइनानी वच्चे फिस्युला एटले के केनाल थी जाए, जेथी ब्लाडरनु जे यूरिन छे वजाइना मार्फत आवे. खूब वर्ड्स एकदम खराब में खराब कॉम्प्लिकेशन है. एवं रीते आरवीएफ रेक्टो वेसिकल फिस्युला, तो आपण रेक्टम अने वजाइना वच्चे रेक्टो वजाइनल फिस्युला, आपण रेक्टम अने वजाइनल वच्चे फिस्युला जोवा मळे, जेमांथी रेक्टम मांथी फिकल मेटल छे ए वजाइना मार्फते बहार आवे. खूब ज खराब कॉम्प्लिकेशन है. सुवावड़नी इजाओ, किशोरावस्था में सुवावड़ पछीना जोखमों तो घणी वखत डिलिवरी बाद ब्लड लॉस थवुं, एनीमिया थवो अने डिप्रेशन, डिलिवरी पछी पोस्टपार्टम डिप्रेशन थाय. बेबी ने लगता जोखमों जोईए तो ओछा वजनवाळो बेबी होय, ब्रेस्ट फीडिंगनी प्रेक्टिस न होय, संभाळ लेवा माटेनी परिपक्वता न होय, बाळक प्रत्ये अणगमो पण होय. तरुणावस्था दरमियान प्रेग्नेंसी अने एबोर्शन. तो तरुणावस्था दरमियान प्रेग्नेंसी अने एबोर्शन खूब जोखमी पासुं छे. आ समय दरमियान अपरिणित छोकरी में भूलना लीधे पैदा थती स्थिति घणी वखत असलामत गर्भपात तरफ दौड़ी जाय छे. भारत में गर्भपात कायदेसर छे, छतां एक एवो अंदाज छे के लगभग 40 लाख जेटली स्त्रीओ हजू पण सामाजिक कलंकना कारणे जे असलामत गर्भपात करावे छे. आ उपरांत जाणकारीनो अभाव, आरोग्यनी पूरी सगवड़ता न होय अने सामाजिक बीकना कारणे पण होय. खूब ज महत्वनो अने ए छे एमटीपी एक्ट. एमटीपी नुं फूल फॉर्म अहीं आपणे याद राखवानुं छे. एमटीपी नुं फूल फॉर्म छे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी. एमटीपी एक्ट क्यारे अमलमां आव्यो? तो 1971 मां. आपणे याद राखवानुं छे. आ कायदो 1971 में पसार करवामां आव्यो. कायदानो मुख्य हेतु स्त्रीने वणजोईती सगर्भावस्थामांथी मुक्ति आपवानो छे, खास करीने सामाजिक बंधन अने तबीबी जोखम संकळायेला होय तेवी वखते एबोर्शन खूब ज जरूरी होय. आ कायदामां उपर जणावेल कारणोवाળી स्त्रीओमां मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा एटले के जेमने एमटीपीनी ट्रेनिंग लीधेल होय, गायनेकोलॉजिस्ट होय अने 3 महीनानी एमटीपीनी ट्रेनिंग लीधेल होय अने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर होय ते ज एमटीपी करावी शके. असलामत गर्भपातना भयस्थानो, नेचर एंड स्कोप ऑफ अनसेफ एबोर्शन. तो आपने ख्याल छे के असलामत गर्भपात एटले जरूरी ज्ञान अने कौशल्य वगैरे एवी व्यक्ति अने एवी स्थितिमां प्रेग्नेंसी दूर करवी के जे सारी तंदुरुस्ती माटे खूब हानिकारक होय, जे कायदामां अथवा तो कायदाथी बहार होय. घणी स्त्रीओ आवा एबोर्शनना कारणे मरण पामे छे अने लांबा समयनी માંદગી अने स्टेरिलिटीनो भोग बने. असलामत गर्भपात ए मोटाभागे एडोलेशनमां વધુ જોવા મળે, કારણ કે મોટાભાગે ગેરકાયદેસर અને તેની ગુપ્તતા જાળવવાની હોય. खास करीने कुंवारी छोकरीओमां आ वधारे જોવા મળે, जेना पर सम्मतिथी अथवा तो बळजबरीथी सेक्स प्रयोग थयो होय. एडोलेशनना छेल्ला तबक्कामां मोटा भागे सेक्स्युअल एक्टिविटी घणी बधी वधारे होय अने आ समय दरमियान गर्भ निरोधक पद्धतिनी जाण होती नथी. એજ એવી હોય કે જેમાં ખૂબ જ વાઇબ્રન્ટ હોય તેથી આનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધે છે પરિણામે મૃત્યુદર પણ વધી જાય છે। એડોલેસનમાં અનસેફ એબોર્શન 40 લાખ ભારતીય સ્ત્રીઓ હજુ પણ ગેરકાયદેસર ગર્ભપાત કરાવે છે। 50% માતા મરણ મેટરનલ ડેથ 13% માતાથી 15 થી 19 વર્ષની ઉંમરે જોવા મળે। 38 થી 68% એબોર્શન કોમ્પ્લિકેશન 20 વર્ષની અંદરની ઉંમરમાં થાય तो खूब ज गंभीर गणाय। असलामत गर्भपातना परिबळो क्या क्या फेक्टर्स होय असलामत गर्भपात करवा माटे तो खास करीने कुंवारी छोकरीमां सामाजिक बहिष्कारनी बीक, गरीबी, स्कूलमांथी काढी मूकवानी बीक, गर्भनिरोधक पद्धति निष्फळ जवाथी, रेपना केसमां प्राइवेट होस्पिटलमां ऊंची फीनी रकम, सेवा पूरी पाडनारनी वर्तणूक सारी न होय तो असलामत गर्भपातना आ छे परिबळो छे। कॉम्प्लिकेशन घणा बधा अनसेफ एबोर्शनना छे जेमां खास करीने टिटेनस, हेमरेज, इन्फेक्शन, ईजा, लांबा गाळाना मेडिकल कॉम्प्लिकेशनमां वारंवार पीआईडी पेल्विक इन्फेक्शन, स्टेरिलिटी आवे, घणी वखत हेबिच्युअल एबोर्शन थई जाय, एक्टोपिक प्रेग्नन्सी रहेवाना चांस रहे एटले के यूट्रसनी बहार प्रेग्नन्सी रहे, अधूरा में शिशु आवड़ थी जाए। साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में लागणी गुनानी लागणी अनुभवे डिप्रेशन में आई जाए अने विड्रॉल सीम्टम एटले कायमी सेक्स थी दूर भागवाना विचारो करे अने घणी वखत प्रोस्टिट्यूशन बाजू पण धकेलाई जाए। सामाजिक तिरस्कार एडोलेसन फ्रेंडली हेल्थ सर्विसीस एटले के AFHS में ANM नो रोल अने खूब ज अगत्यनुं छे। AFHS याद रखो एडोलेसन फ्रेंडली हेल्थ सर्विसीस। तो एना मुद्दा छे पेलू तालीम के आ फ्रेंडली सेवाओं पूरी पाड़वा माटे ANM के FAW ने वक्त वक्त तालीम दई अने एडोलेसन ने लगती तमाम बाबतों आवा ग्रुप ने माहिती आपवी जोईए जेनाथी साची माहिती मळी सके। बीजू छे मान राखवू, जे व्यक्ति अपनी पास क्लिनिक में आए तेनु मान जाळवू जोईए, साचुं मार्गदर्शन पूरू पाडवू जोईए अने तमाम हकीकतों जणाववी जोईए अने वातनी गुप्तता राखवी जोईए। एकांत अने गुप्तता जाळववी आ उंमर में एकांत अने गुप्तता ने वधारे महत्व होय छे। शारीरिक तपास अने वातचीत करते वखते खास आ बाबतनुं ध्यान राखवू जोईए। आवा प्रकारनी कोईने वात कहेवी जोईए नहीं। पूरतो समय आपवो जोईए। वातचीत दरमियान क्यारे एवुं न थवुं जोईए के तमारे उतावळ छे, तमने पूरो समय आपो अने मुक्तपणे रजूआत करे। सेक्स ने लगता पण प्रश्न खूब आसानी थी पूछी सके, कोईपण गूंचवण न रहे तेवी ख्याल राखवो जोईए। तो आ हतुं एडोलेसन फ्रेंडली हॉस्पिटल एडोलेसन फ्रेंडली सर्विसीस में तालीम लेवी जोईए, मान आपवू जोईए, एकांत अने गुप्तता जाळवी जोईए अने पूरतो समय आपवो जोईए। हवे बात करीए एडोलेसन फ्रेंडली हेल्थ सेंटर नी। केवुं क्लिनिक एडोलेसन फ्रेंडली क्लिनिक केवुं होवुं जोईए? तो अलग जगह अनुकूल समय होवो जोईए, ज्यां जेना माटे अलग ज समय होवो जोईए। स्कूलनो समय के कामकाजनो समय सिवायनो समय होवो जोईए अने वातचीत शांतिपूर्ण थाय तेवी जग्या होवी जोईए। सानुकूल कलाको होवा जोईए, जेमां आपणे आगळ वात करी एम क्लिनिकनो समय एवो होवो जोईए, सांजनो समय होवो जोईए अथवा तो अठवाडियाना अंतना दिवसोमां राखवो जोईए। सानुकूल जग्या होवी जोईए, लाभार्थी आवे पहुंची सके तेवी जग्या होवी जोईए, पूरती जग्याए ने पूरतो समय होवो जोईए, आरामदायक वातावरण होवुं जोईए, आजूबाजू आरामदायक होवुं जोईए, रस पड़े तेवा पोस्टर होवा जोईए, बीक लागे तेवा पोस्टर राखवा जोईए नहीं। जाहेरात आ प्रकारना क्लिनिक में केवा केवा प्रकारनी सेवाओ आपवामां आवे तेनी जाहेरात करवी जोईए। सेंटर में तेने मानपूर्वक आवकारवुं जोईए अने तेनी वात गुप्त राखवामां आवशे तेवी बांयधरी आपवी जोईए। जरूर पड़े रिफरनी व्यवस्था जरूर जणाय तो वधु सारी माहिती माटे हायर सेंटर ने पण हायर सेंटर में पण काउंसलिंग माटे मोकलवुं जोईए। जुदा जुदा प्रकारनी सेवाओ आपवी जेमां पोषण, मेरेज काउंसलिंग, सेक्स एब्यूज काउंसलिंग, वृद्धि अने विकास, एडोलेसन गर्ल्स अने बॉयज में जोवा मळता फेरफारो वगैरे बाबतनी माहिती आपवी जोईए। તો આ હતું એડોલેસન્ટ ફ્રેન્ડલી ક્લિનિકમાં કેવી કેવી સગવડતા હોવી જોઈએ, તો અલગ જગ્યા, સાનુકૂળ સમય, સાનુકૂળ કલાકો, સાનુકૂળ જગ્યા, પૂરતી જગ્યા, પૂરતો સમય, આરામદાયક વાતાવરણને જાહેરાત જરૂર પડે તો રેફરલ સેવાઓ. પ્રી મેરિટલ કાઉન્સેલિંગ એક વખત આપણને પૂછ્યું, પ્રી મેરિટલ કાઉન્સેલિંગ એટલે કે લગ્ન પહેલાં શું કાઉન્સેલિંગ કરવું જોઈએ. લગ્ન બાદ ઘણા બધા કોમ્પ્લિકેશન નિવારવા માટે પ્રી મેરિટલ કાઉન્સેલિંગ ખૂબ જ અગત્યનું હોય છે અને આવી વખતે એડોલેસન્ટ ગર્લ્સ અને બોયને મૂંઝવતા પ્રશ્ન આપણે ઉકેલી શકીએ છીએ. લગ્નની ઉંમર આપણે જોઈએ કે છોકરીની ઉંમર 18 વર્ષ અને છોકરાની ઉંમર 21 વર્ષ, તો આ પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે. આગળ આપણે આવી ગયું છે. તો સ્ત્રીઓ પોતાના હકો વિશે ફેમિલી પ્લાનિંગ, ન્યુટ્રિશન, નાનું કુટુંબ, સુખી કુટુંબની ભાવના વગેરે શીખવી જોઈએ. પ્રી મેરિટલ કાઉન્સેલિંગની અગત્યતા ચિંતા અને બીકથી મુક્ત કરવા માટે, સુંદર જીવનની શરૂઆત કરવા માટે, જીવનના મહત્વના તબક્કાનું આયોજન કરવા માટે, લગ્ન વિશે તથા સેક્સ વિશેના ખોટા ભ્રમને દૂર કરવા માટે, આરોગ્યની જાળવણી કરવા માટે, નાના કુટુંબની ભાવનાથી વસ્તી ઘટાડવાના પ્રયત્ન રૂપે. તો આ હતા એના હેતુઓ. એએનએમની શું ભૂમિકા હોય, તો છોકરા અને છોકરી બંનેના શરીરમાં થતા ફેરફારો વિશેનું જ્ઞાન પૂરું પાડવું જોઈએ, સેક્સ એજ્યુકેશન આપવું જોઈએ, પર્સનલ હાઇજીન વિશેની ચર્ચા કરવી જોઈએ, ફેમિલી પ્લાનિંગની જુદી જુદી મેથડો વિશે વાકેફ કરવા જોઈએ, એચઆઈવી, એસટીડી જેવી ગંભીર બીમારીઓ કેવી રીતે થાય છે તે અંગેની સમજણ આપવી જોઈએ, કેવા સંજોગોમાં પ્રેગ્નન્સી રહી શકે તે બાબતનું જ્ઞાન આપવું જોઈએ અને લગ્ન પહેલાં સેક્સ સંબંધો ટાળવા અંગેની સમજણ આપવી જોઈએ. તો આ હતું આપણું યુનિટ 6. અને યુનિટ 6માં આપણે એડોલેસન્ટ ગર્લ્સ વિશેની તમામ વાતો કરી. એડોલેસન્ટ ગર્લ્સમાં ખાસ કરીને આપણને પૂછાતા પ્રશ્નમાં મેન્સ્ટ્રુએશન હાઇજીન ખાસ અગત્યનું છે. બીજું છે કાઉન્સેલિંગ, મેન્સ્ટ્રુએશન હાઇજીન, મેન્સ્ટ્રુએશન પીરિયડ દરમિયાન કાઉન્સેલિંગ, બેલેન્સ ડાયટ એટલે કે ન્યુટ્રિશનની અગત્યતા, કિશોરાવસ્થા દરમિયાન પ્રેગ્નન્સી અને તેના જોખમો, વહેલાસર લગ્નના જોખમો, ત્યાર પછી આગળ એમટીપી એક્ટ એટલે એમટીપી એટલે મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી અને કાયદો 1971માં શરૂ થયો. ત્યાર પછી અનસેફ એબોર્શન અને તેના ગંભીર પરિણામો, તેના કોમ્પ્લિકેશન અને લાસ્ટમાં આપણે જોયું એડોલેસન્ટ ફ્રેન્ડલી હોસ્પિટલ સર્વિસીસ. એમાં તાલીમ, માન આપવું, એકાંત અને ગુપ્તતા જાળવવી, પૂરતો સમય આપવો, કેવું સેન્ટર હોવું જોઈએ, તો અનુકૂળ જગ્યાવાળું હોવું જોઈએ, અનુકૂળ કલાકવાળું હોવું જોઈએ, પૂરતી જગ્યાને પૂરતો સમય આપવો જોઈએ, જાહેરાત કરવી જોઈએ અને જુદા જુદા પ્રકારની સેવાઓ આપવી જોઈએ. અને લાસ્ટ પણ ખૂબ અગત્યનું પ્રીમેરિટલ કાઉન્સેલિંગ. પ્રીમેરિટલ કાઉન્સેલિંગના કેટલાક હેતુ. બંનેની ઉંમર યાદ રાખજો, છોકરીની ઉંમર 18 વર્ષ અને છોકરાની ઉંમર 21 વર્ષ પૂર્ણ થાય ત્યાર પછી જ લગ્ન ભારતીય જે ઇન્ડિયન મેરેજ એક્ટ અનુસાર કરી શકે. પ્રીમેરિટલ કાઉન્સેલિંગની અગત્યતા અને એમાં નર્સનો રોલ, એએનએમનો રોલ. હવે પછીનું આપણું જે યુનિટ રહેશે અને એ છે ન્યૂબોર્ન, ખૂબ જ અગત્યનું રિસસિટેશન અબગાર સ્કોર ચાર્ટ, જે એએનએમ પાર્ટ 1, પાર્ટ 2 અને ગૌણ સેવા પસંદગીની પરીક્ષા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે તેવું ચેપ્ટર અને એ આવશે ધ ન્યૂબોર્ન. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ.